गाइस आज की वीडियो में एक बहुत ही यूनिक आरसी टैंक की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। ज्यादा यूनिक आरसी टैंक मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखा है। मेरे पास बहुत सारी टैंक है पर ये टैंक उन सभी में से बहुत ही अलग किस्म की है। आज मैं इस टैंक के साथ बहुत सारी चीजों की फाइट कराने वाला हूँ, जैसे की ये सिक्स व्हील आरसी कार है। एक और टैंक भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत ही यूनिक आरसी टैंक है, ये है रिप्सा आरसी टैंक। चलो फटाफट से पहले इनको करते हैं अनबॉक्स, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखते हैं गाइस आज कौन सी टैंक जीती है। लेट्स स्टार्ट। WPL इसके ब्रांड का नाम है। आज देखेंगे गाइस ये टैंक की क्वालिटी कैसी है। वैसे मेरे को तो ये टैंक का नाम पैंजर लग रहा है गाइस, आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आप भी अगर ये आरसी टैंक खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको व्यू प्रोटेक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोटेक्ट में जाना है। वहां पर जैसे ही जाओगे इसके वेबसाइट का बाय लिंक आपको मिल जाएगा। ओ माय गॉड, क्वालिटी तो इसकी काफी ज्यादा सही लग रही है। पैकिंग देखो कितनी मस्त कर रखी है इन लोगों ने, ऐसा लग रहा है की पूरी टैंक को इन लोगों ने लैमिनेशन कर रखा है। बैटरी मैं आपको दिखा देता हूँ, 0.4 वोल्ट 10 सी 600 mAh की बैटरी दी गई है और बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर है। चलो अभी हमारी आरसी टैंक को यहां से निकाल लेते हैं। अगर आप ये टैंक Amazon से खरीदना चाहते हो तो उसका भी बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टैंक का वेट बहुत ज्यादा कम है यार, आमतौर पर मेरे पास जितनी भी टैंक है वो बहुत ज्यादा भारी भरकम है, पर ये टैंक बहुत हल्की फुल्की बनाई है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम जो पार्ट्स है प्लास्टिक के ही यूज किए गए। यहां तक कि इसका ट्रैक भी देखोगा इस प्लास्टिक का ही बनाया गया है, पर व्हील्स की क्वालिटी और व्हील्स का जो डिजाइन है बहुत ही बढ़िया मेरे को लग रहा है। यहाँ पर इसका गियर है और ये जो व्हील्स है ऐसे इन लोगों ने दे रखे हैं, जैसे टैंक ठीक ठाक तरीके से लगे इसीलिए इस तरह का व्हील वाला डिजाइन यहाँ पर दिया गया है और ये व्हील्स घूमते भी। फिलहाल इसका रिमोट दिखा देता हूँ। WPL आरसी कार्स में बिल्कुल इसी तरह का रिमोट मिलता है। स्टीयरिंग इसकी बहुत अच्छी होती है, सिंगल हैंड से भी आप टैंक को कंट्रोल कर सकते हो। ट्रिगर काफी बढ़िया है और इसके ऊपर पूरी रबर की कोटिंग लगा रखी है और ग्रिप भी इसकी बहुत ज्यादा बढ़िया मेरे को लग रही है। यहाँ पे एक नॉब है, एक स्विच है इसकी स्पीड वगैरह कंट्रोल करने के लिए और इसका टी रेट कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच भी दिया गया है। अभी इस टैंक के बॉक्स के अंदर मेरे को ये वाले अटैचमेंट्स मिले थे, इसके अंदर यूजर गाइड भी मिल जाती है, जैसे कि देख सकते हो गाइस सामने के वाइपर्स भी मैंने लगाए हैं, मेरे को उसी के अंदर मिले थे। यहाँ पर एक लाइट लगा रखी है मैंने, यहाँ पर दो लाइट्स मिल जाते हैं और ये कंप्लीटली देखो गाइस ग्लास यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है। ऊपर के हैंडल बार्स लगा रखे हैं, ये जो डोर्स है ना गाइस ये भी आपको सेपरेटली मिलते हैं, ये भी खुद आपको जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर देखो मैंने इसको क्लिप लगाकर इसके डोर्स भी जोड़ दिए हैं, अंदर की सीट्स वगैरह भी आपको दिख रही होगी। इसी तरफ यहाँ पर इसके बहुत सारे अटैचमेंट्स है, जैसे कि ये आपको जाली दिखाई दे रही होगी, ये भी मैंने ही लगाया है, इसको निकाल भी सकते हैं हम लोग। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इसके अंदर बहुत डिटेलिंग में दी गई है। ऊपर यहाँ पर फैंस भी मिलते हैं और ये फैंस इस तरह से घूमते भी है गाइस, आप चाहे तो इन फैंस को यहाँ से निकाल भी सकते हो। यहाँ पर इसके फ्यूल टैंक्स है, ये फ्यूल टैंक्स भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट सिस्टम दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर भी शायद कुछ तो दिया गया यार। अच्छा तो इसका फिल्टर वगैरह यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी एक फ्यूल टैंक है। तो इसका ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है इसको निकाल नहीं सकते गाइस हम लोग, ये ऊपर ही फिक्स होकर आता है। आप इसकी क्वालिटी देखो गाइस कितनी ज्यादा सॉलिड है, पीछे की तरफ से ये टैंक इस तरह की दिखाई दे रही है। यहाँ पर पीछे टेल लाइट्स भी दी गई है, बाकी ये टेल लाइट्स काम करती है मेरे को पता नहीं है। एक हुक भी मिल जाता है अगर कोई दूसरी कार कीचड़ में वगैरह कहीं पर भी फंस जाती है, यहाँ से अटैच करके हम लोग दूसरी कार या फिर दूसरी टैंक को पुल भी कर सकते हैं। नीचे बहुत सारे स्क्रूज वगैरह दे रखे हैं पर ये किस काम के है मेरे को पता नहीं। यहाँ पर तो इसके अंदर बैटरी लगती नहीं है, यहाँ पे WPL की ब्रांडिंग दी गई है। इसका ट्रैक देखो यार बहुत ही अजीब बना रखा है इन लोगों ने, शायद ये ट्रैक हम लोग निकाल भी सकते हैं, इसको पूरी तरीके से हम लोग पानी में चला सकते हैं गाइस क्योंकि इसका बैटरी कंपार्टमेंट इन लोगों ने ऊपर की तरफ दे रखा है। ओह माय गॉड बहुत ज्यादा डीप है, बड़ी वाली बैटरी भी इसके अंदर आराम से लग जाएगी। चलो गाइस अभी दूसरे प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करते हैं। आज पैंजर टैंक को रिप्सा आरसी टैंक बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर देने वाली है ऐसा मेरे को लग रहा है गाइस, क्योंकि देखो दोनों टैंक का साइज एग्जैक्टली सेम टू सेम दे रखा है और दोनों टैंक के अंदर 7.4 वोल्ट की बैटरी आती है। पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, सच बताऊं तो पैंजर टैंक से बहुत ज्यादा बेटर मेरे को लग रही है। इसका लुक और इसका बेल्ट देखो कितना ज्यादा बड़ा है, ऊपर की तरफ इसके अंदर वेपन्स वगैरह भी मिल जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। इसके अंदर मैं आज यूज करने वाला हूं ये वाली बैटरी क्योंकि इसके अंदर भी 7.4 वोल्ट की बैटरी आ जाती है। तो इसका रिमोट आप देखोगे ना गाइस तो सच बता रहा हूं आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, बिल्कुल रिमोट जो है PS2 के रिमोट जैसा ही इन लोगों ने डिजाइन कर रखा है। यहां पर दो बटन मिलते हैं इसको ऑन ऑफ करने के लिए, यहां पर फास्ट एंड फ्यूरियस बोल के लिखा हुआ भी है, पीछे की तरफ दो AA बैटरीज डालनी पड़ती है।
रिमोट के अंदर। बाकी अभी दूसरे प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। अभी ये एक 6x6 आरसी कार मेरे पास है। ये कार टैंक से कुछ कम है नहीं गई। चलो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। ये कार बहुत ज्यादा सस्ती भी है यार, इसीलिए मैंने इसको खरीदा था। इसका कलर भी देखो कितना ज्यादा तगड़ा। इसके अंदर थोड़ा बहुत मेटल यूज किया गया, जैसे कि ये सामने की बोनट की शीट है, ऊपर की शीट है और साइड की जो शीट है कंप्लीटली मेटल की बनाई गई है। यहाँ पर एक मोटर है, सेंटर में एक मोटर मिल जाएगी, पीछे की तरफ एक मोटर मिल जाएगी। यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। इसके अंदर 7.4 वोल्ट की बैटरी हम लोग डाल नहीं सकते हैं। इसके अंदर आ जाती है 3.7 वोल्ट से 4.8 वोल्ट की बैटरी। बूस्टर के साइड में भी आप लाइट्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ से ये इस तरह की नजर आती है। इसका भी साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल मीडियम साइज की आरसी कार है। तो भी इसका रिमोट मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ 27 मेगाहर्ट्ज का रिमोट मिलता है। तीनों को ही मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। क्लियरली 6x6 आरसी कार इन दोनों के मुकाबले में लेंथ में थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। पर आज जो फाइट होने वाली है इन दोनों के बीच में, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को लग रही है, क्योंकि दोनों का साइज बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम टू सेम है। जस्ट यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क मेरे को लग रहा है, बाकी दोनों के अंदर ट्रैक्स वगैरह लगे हैं इसके अंदर। चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं आज की फाइट में ये वाली टैंक इन दोनों को हरा पाती है नहीं। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट। भाई सबसे पहले पैंसिल टैंक को टेस्ट करते हैं। रिमोट से मैंने इसको अच्छे से पेयर कर लिया है, चला के देखते हैं। यार ये टैंक थोड़ी सी स्लो चलती हुई मेरे को लग रही है और ये शोर भी बहुत ज्यादा मचा रही है। काम करते हैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं। अभी जाकर इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ पाई है। रिमोट बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिव है और ये 360 डिग्री भी बहुत स्पीड से घूम सकती है। दोस्तों अभी रिप्सो आरसी टैंक को टेस्ट करते हैं। इसकी स्पीड मेरे को पैंसिल आरसी टैंक से काफी ज्यादा लग रही है। ये टैंक भी जो है 360 डिग्री घूम सकती है और कंट्रोलिंग के मामले में मेरे को ये टैंक बहुत ज्यादा पसंद आई। अभी 6 व्हील आरसी कार को टेस्ट करते हैं। की भी स्पीड ज्यादा नहीं है गाइस, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे ये भी चलने लगती है। इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा बेटर है। तो चलो दोस्तों पहले इन दोनों के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। मेरे को लगा ही था कि गाइस 6 व्हील आरसी कार आराम से जीत जाएगी और पैंसर आरसी टैंक तो बहुत ज्यादा पीछे हो चुकी है। और यहाँ पर 6 व्हील आरसी कार ने अपना बूस्टर भी ऑन कर दिया और मैंने इसी तरह से दोनों को चलाते चलाते ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ। देखते हैं यहाँ पर कौन जीतता है। ट्रेन बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओ तेरी भाई साहब, 6 व्हील आरसी कार देखो एक बहुत बड़े पत्थर पर फंस चुकी है। पैंसर आरसी टैंक निकल चुकी है ये पत्थरों पर से, झाड़ियों में से और मिट्टी में से, तो भाई एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही है। अभी इन दोनों के बीच में रोड पर रेस लगाएंगे, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता। मेरे को लगा था कि 6 व्हील ड्राइव आरसी कार आराम से जीत जाएगी, पर देखो रिप्सो आरसी टैंक इससे भी बहुत ज्यादा स्पीड चलती हुई मेरे को लग रही है। अभी दोस्तों इन दोनों टैंक के बीच में ऑफ रोड में रेस लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन जीतता है। रिप्सो आरसी टैंक ऑब्वियसली आगे निकल चुकी है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, पर इसकी कंट्रोलिंग मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है गाइस। इसके नीचे जैसे ही पत्थर आया है ये लुढ़क गई यार यहाँ पर पूरी तरीके से। इसी बात का फायदा उठाकर हमारी पैंसर आरसी टैंक निकल चुकी है। ये भी देखो यार बीच बीच में थोड़ा सा रुक रही है और ये पलट नहीं रही है क्योंकि इसकी जो बैलेंसिंग है ना बहुत ही अच्छी दे रखी है। क्लियरली यहाँ पर पैंसर आरसी टैंक जीत चुकी है। अभी इन दोनों टैंक से बीच में पुशबैक कराएंगे, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। रिप्सो आरसी टैंक के सामने थोड़ा सा शार्प एज है, इसी वजह से मेरे को लग रहा था कि गाइस ये इसके ऊपर चढ़ाई आराम से कर देगी, पर पैंसर आरसी टैंक ने इसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल करके यहाँ पर रोक दिया है और पैंसर ने इसको ढकेल कर नीचे भी गिरा दिया। गाइस यार ये टैंक तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल निकली। अभी देखते हैं गाइस पैंसर आरसी टैंक ये 6 व्हील ड्राइव आरसी कार को हरा पाती है नहीं। दोनों के बीच में टक्कर हो चुकी है और 6 व्हील ड्राइव आरसी कार का मैंने बूस्टर भी ऑन कर दिया है। देखो गाइस ये कार पूरी कोशिश कर रही है पैंसर आरसी टैंक को पीछे ढकेलने के लिए, पर पैंसर आरसी टैंक भी कुछ कम है नहीं, यहाँ पर दोनों के बीच में टाई हो चुका है। अभी इन दोनों टैंक्स के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन सी टैंक है सबसे ज्यादा ताकतवर। दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को खींचने में लगे हुए। दोनों के अंदर मैंने जैसे ही फुल ट्रिगर दबाया है पैंसर आरसी टैंक का बेल्ट निकल गया। यार देखो कितना धमाका हुआ था यहाँ पर। तो इसी बात का फायदा उठाकर आरसी टैंक ने हरा के रख दिया है पैंसर आरसी टैंक को। अभी रिप्सो आरसी टैंक को पत्थरों में चला के देखते हैं गाइस, यहाँ पर सिर्फ जेल भी चीता चल पाई थी। देखते हैं ये टैंक इतने बड़े बड़े पत्थरों पर से चल पाती है यानी बैलेंस इसका थोड़ा सा खराब हो रहा है, पर देखो गाइस बिल्कुल सही तरीके से इतने बड़े बड़े पत्थरों पर से भी ये चल सकती है यार। अभी ये वाली टैंक को भी चला के देखते हैं ये कितना चल पाती है। यार इसका जो बेल्ट है ना ये प्लास्टिक का है, इस वजह से देखो गाइस जैसे इसके सामने बड़ा पत्थर आया और झाड़ी आई है यहाँ पर इसका बेल्ट फिसलने लगा है और यहाँ पर ये रुक चुकी है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन तीनों में से कौन सी चीज पसंद है। चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है फहीम, सौरभ, आयुष, नसीर, कुश, ऋषि, दुरंतो, श्रीदीप, कोटेश, स्वरूप। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।